तो दोस्तों आज मैं सारी कमेंट्स पिछले वीडियो की सारी कमेंट्स मैं आज पढ़ने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो आज है भाई बहन का पवित्र दिन यानी रक्षाबंधन। तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुछ देर में मेरी बहन भी आ रही है मुझे और मेरे सभी भाइयों को राखी बांधने के लिए, तो उसका भी वीडियो शूट कर लूँगा मैं और आपको दिखा दूँगा। दोस्तों हमारी मूंगफली बारिश के बाद ऐसी हो गई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी मूंगफली कैसी हो रही है। और मेरी बहन अभी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वंशिका है। तो चलिए दोस्तों अब घर जाकर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी वंशिका दर्शन को राखी बांध रही है। अभी शाम के 6 बज गए और हमने जो वो मोटर बिगड़ गई थी बोर की, तो वो रिपेयर होकर दूसरे ही दिन आ गई थी, पर हमने बोर में नहीं डाला था। तो आज अभी कुछ देर पहले ही हमने बोर में ये फिट करके
पाइप में फिट करके अंदर डाल दी है बोर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने बोर में डाल दिया, रात को लाइट आएगी तो चेक कर लेंगे कितना पानी आ रहा है। कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया, तो इसलिए माफ़ कर देना मुझे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ, जो मम्मी और भाभी ने घास काटा है गायों के लिए तो वो लेने जा रहा हूँ अभी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ, जो मम्मी और भाभी ने घास काटा है गायों के लिए वो लेने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वहाँ जाकर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर भाभी और मम्मी घास काट रहे हैं गायों के लिए, तो वो लेने जा रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर मम्मी ने भारी बना ली है और पापा लेकर जाएंगे इसको। तो ये नए चिबड़े है, जो हम इसको चिबड़ा बोलते हैं, कटिया चिबड़ा, तो ये है वो। ये बहुत ही कड़वे होते हैं, ये खा नहीं सकते। तो ये भारी पापा लेकर जाएंगे गायों को डालने के लिए। तो मैं दूसरी भारी बना लेता हूँ इसकी। तो चलिए दोस्तों, इसकी भारी बना लेते हैं, फिर जाते हैं घर वापस। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारे खेत के पास में जो कॉटन लगाया है, आप देख सकते हैं। तो ये तो बहुत देर से लगा है इसलिए थोड़े छोटे हैं, और उस तरफ जो है वो बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर बीच में मूंग लगाए हैं और यहाँ पर गवार है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ, जो बड़ा कॉटन हुआ है उसको दिखाता हूँ आपको। तो ये है जो पहले लगाए थे, तो बहुत ही अच्छे ग्रोथ हो रहा है इसका। तो अब इसमें फूल भी आ गए, और ये कॉटन होता है वो, ये उसमें कॉटन होता है तो वो भी हो गया है। तो हम भी लगाते थे कॉटन का, कॉटन पर इस साल हमने नहीं लगाया क्योंकि हमारे खेत में सूख जाता है जब कॉटन जो निकलता है उसमें, जो हम इसको झींडवा बोलते हैं, उसके होने के बाद हमारे कॉटन सूख जाता है, तो हमने इस साल नहीं लगाया। तो चलिए दोस्तों, मम्मी ने भारी बना ली है तो इसको लेकर जाते हैं घर। भारी लेकर घर आ गया हूँ। तो अभी यहाँ पर जो गाय और बछड़ियों को बांधने की जगह है वहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि अगर रात को बारिश आई ना जाए घास, इसलिए अंदर डाल दिया। अभी घास नहीं डालना है गायों को, क्योंकि अभी दूध निकालने का टाइम हो गया है, तो दूध निकालने के बाद डाल देंगे सबको घास। तो चलिए दोस्तों, अब कमेंट्स पढ़ लेते हैं, जो जितनी आई है उतनी पढ़ लेते हैं। दोस्तों कमेंट्स के नाम पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर देते हैं। तो आज आई है, अगले वीडियो में 21 कमेंट आई है। थोड़ी बोलने में तकलीफ होगी तो चला लेना अभी, एक तो दो तीन दिन, क्योंकि बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी कमेंट्स, क्योंकि कुछ नाम ठीक से नहीं आते मुझे। तो आप चला लेना, अगर आपकी कमेंट भी नहीं पड़ी तो इस अगले वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि फिर से पढ़ लूँ। तो चलिए दोस्तों, कमेंट पढ़ना चालू करता हूँ। तो पहली कमेंट आई है नेम गोयल चोनजिन, फिर है एनजी ट्रैवलिंग व्लॉग, आशु एंड भूमिका व्लॉग्स, रिम जिम व्लॉग, विलेज व्लॉग, राज एंड फैमिली गुजरात, हसमुख पीपलिया, अनिल मैक, निशी विट्स। सॉरी दोस्त, आपकी नाम बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, तो आप चला लेना। फिर है बाबू अमर व्लॉग्स, किशोर वाटुकिया, गोड अंकित वाईटी, मनोज मोढ़वाड़िया, गुड़िया यादव, विलेज लाइफ ऑफ मुरलीधर फार्म, प्रणय डोलेट। तो इसका भी नाम मुझे ठीक से नहीं आता, तो आप फिर से हिंदी में कमेंट कर देना, हिंदी लैंग्वेज में,
तो मुझे पता चल जाएगी आपका नाम क्या है। तो अगली कमेंट है फूड एंड आर्ट, फिर है लाइव विलेज लाइफ ऑफ जॉइंट फैमिली, गुजराती मेहर फैमिली व्लॉग्स, मुर्शिद लोग। तो इसका अब आगे कुछ है पीछे तो उर्दू में है या किसी और लैंग्वेज में है तो वो मुझे नहीं पता, तो इसके लिए सॉरी दोस्त। तो फिर है रिद्धि मेहर व्लॉग्स एंड और लास्ट है हरिपरा राजेश। और भी कोई कमेंट्स रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी जो IT स्टूडियो ऐप है उसमें कुछ कुछ कमेंट्स नहीं दिखाई देती है, तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। अगले वीडियो की कमेंट इतनी ही थी, तो आज भी आप कमेंट कर देना इस वीडियो में ताकि अगले वीडियो में आपका नाम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल एक और न्यू व्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।